हाय एवरीवन, सो एनटीए का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है. उन्होंने कल ही एक नोटिस रिलीज़ किया है एंड जिस चीज़ का आपको वेट था वो फाइनली दे हैव रिलीज्ड कि जो रिज़ल्ट है नीट 2022 का वो रिज़ल्ट आएगा 7th of September को. बट रिज़ल्ट आने से पहले 30th of August को दे आर गोइंग टू रिलीज़ अ प्रोविजनल आंसर की. साथ ही में आपकी जो OMR जो आपने भरी थी उसका जो स्कैंड कॉपी है वो भी वो अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर देंगे. तो उससे होगा क्या कि आप अपनी आंसर की से प्रोविजनल आंसर की से अपनी OMR मैच कर सकते हैं. कुछ भी चैलेंज करना हो तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. एंड 7th of September इज़ अ फाइनल डेट जब आपका रिजल्ट आने वाला है. वैसे तो आई वुड से कि आप ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, आपको आइडिया है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं. थोड़े बहुत नंबरों का हमें नहीं पता है क्योंकि वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सब हमें प्रोविजनल आंसर की के बाद पता चलेगा. बट येस, यू हैव अ टेंटेटिव आइडिया कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं. तो अगर तो बेटा आपका स्कोर कहीं ना कहीं आपसे जो खुद से आपने काउंट किया है आपका स्कोर 580 से ऊपर आ रहा है, 570 से ऊपर आ रहा है, तब यू शुड वेट फॉर दैट आंसर की एंड यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट. बट बेटा अगर हमारा स्कोर 500 से भी नीचे आ रहा है, 400 से भी नीचे आ रहा है, तो देखो चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलने वाली है, ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं. तो आई वुड से कि आप इतना इंतज़ार ना करें. आपको आइडिया लग चुका है कि इस साल होगा या नहीं होगा. अगर मार्क्स कम आ रहे हैं देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023 फ्रॉम डे वन. आपको आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा. थोड़े बहुत मार्क्स के अलावा ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इस वाली आंसर की के बाद. तो आई वुड से कि आप नए बैच में एनरोल हो सकते हैं. प्लस और आइकॉनिक पे बेटा नया बैच आ रहा है मेरा, उसमें आप एनरोल हो जाइए. अभी 26th of August यानी कि आज तक आपके पास एक 20% ऑफ का ऑफर भी है, तो वो ऑफर लगा लो. आपको मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट होगा और आपकी तैयारी टाइमली शुरू हो पाएगी. अब आप 7 सितंबर तक वेट करेंगे ऑलरेडी बहुत सारे दिनों का, तकरीबन 10 दिनों का डिले हो जाएगा. तो अभी से बेटा आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जिनका रिजल्ट आने वाला.